हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी एक्सपेंडेबल अंडर सिंक ऑर्गेनाइज़र की, जिसमें एडजस्टेबल शेल्व्स हैं, पुल आउट ट्रेज हैं। आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग इस फ्रेम को सेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें एक्सपेंडेबल रॉड्स हैं, बस हुक्स आपको लगानी है एंड यू आर गुड टू गो। देखिए, अंडर सिंक का जो स्पेस होता है ना, बहुत ही अंडर वैल्यूड रहता है, स्पेशली पाइप्स होती हैं इसकी वजह से। बट अगर आप ये वाला ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप काफ़ी सारी अपनी स्पेस तो बचाएंगे भी और काफ़ी सारी सप्लाईज आप इसके अंदर नीटली रख सकते हैं। ये देखें कि इस तरह से एक्सपेंड हो जाता है, तो अपने स्पेस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि कितना आपको एक्सपेंड करना है। ऐसी दूसरी रॉड लग जाएगी। ये जो हुक से टाइट हो जाएगा, ये देखें। देन आप ये पुल आउट ट्रेज हमने इस फैशन में रखी है, आप किसी भी मैनर में रख सकते हैं। देन ये स्लाइडिंग ट्रेज हैं, ये नीचे लग जाती हैं। अकॉर्डिंगली बेसिकली आपको एडजस्ट करना है, हम अपने स्पेस के अकॉर्डिंग सेट करके दिखा रहे हैं। अच्छा, अंडर सिंक एरिया में ना, क्योंकि मॉइस्ट ज़्यादातर रहता है, लीकेज भी हो सकती है, तो आप ये अपने पेपर टॉवल्स या टिश्यू इसमें ना स्टोर करें। सिर्फ आपकी ये जो क्लीनिंग सप्लाईज़ हैं या लॉन्ड्री की सप्लाईज़ है, डिटर्जेंट वगैरह है, ये सब आप इसमें रख सकते हैं। स्पॉन्ज हो गया आपका, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसका प्राइस ₹17.99 है और ट्राई करूँगी कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। अब ये देखिए, बिफोर पिक्चर है, कितना मैसी लग रहा है। ऑल दो मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ, बट स्टिल डेली चीज़ हमें यूज़ करनी है तो ये मैसअप हो ही जाता है एरिया। लेकिन अगर मैं दिखाऊँ ये फ्रेम डालने के बाद, ये देखिए कितना नीट लग रहा है, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं और ईजीली एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा, क्योंकि सब कुछ दिख रहा है, ईजीली आप पुल आउट कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ पर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। ये दिखाती हूँ मैं, ये ऐसे स्लाइड करें। ये डिश वॉश वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे क्लीनिंग सप्लाईज़ रखी हैं, बेकिंग सोडा एंड अदर सप्लाईज़। ये देखिए, इतना बाहर आ जाता है, तो आपको पीछे झुक के लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये पाइप की जगह है, जो एक्सपेंडेबल होने की वजह से ये इसको स्पेस मिल गया है। एक बार फिर भी मैं कहूँगी, आप मेजर करके अपना एरिया फिर ही ऑर्डर करिएगा। ये देखिए, वर्टिकल स्पेस को, डोर को मैंने यूटिलाइज़ किया है, बास्केट लगा के ड्रिल कर दिया है यहाँ पे बास्केट, तो ये ओवरऑल लुक है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव एंड केयर टू यू।